वहीं पायलट खेमे के जो विधायक हैं भंवरलाल शर्मा, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो उन्होंने मुलाकात की और कहा कि घर में नाराजगी होना आम बात है, उसे दूर कर लिया गया है। भंवरलाल वही विधायक हैं जिनका एक कथित ऑडियो सामने आया था जिसमें वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात कर रहे थे। भंवरलाल शर्मा से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। भंवरलाल शर्मा जी एमएलए हैं जो पायलट कैंप के साथ गए थे। भंवरलाल जी, बीच में बहुत चर्चा हुई थी कि आपकी आवाज है एक ऑडियो टेप में जिसमें आप गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार को गिराया जाए। मैंने तो कभी गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की नहीं, मेरे कोई ऑडियो है। ये सारी बातें काल्पनिक है, ये किस ढंग से कहाँ से आई, कहाँ सोशल मीडिया पे आई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो सरकार जांच करा ले। भंवरलाल जी, दूसरी बात है कि आप क्यों गए थे, रिबेलियन क्यों हुआ था, बगावत क्यों हुई थी, क्या वजह रही थी? ऐसा है, एक परिवार में 20 मेंबर होते हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, कोई किसी कारण से लेकर नाराज हो जाता है। तो इसी प्रकार राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक परिवार है, उस परिवार में किस व्यक्ति का कोई, तो आप मान लो आपको तो काजू की बर्फी दी जा रही है और मेरे को बाजरे की रोटी भी नहीं मिले, तो फिर असंतोष तो होता ही है ना। तो विकास की जहाँ बात थी, विकास मंद गति से हो रहा था, मेरे यहाँ जो कमिटमेंट किए थे गहलोत साहब ने वो पूरे नहीं हुए। तो आज आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो अब उन्होंने आपको बाजरे की रोटी खिलाई आज या मिठाई? आज मुझे बाजरे की रोटी के साथ साथ दही और मक्खन डाल के दे दिया। क्या क्या वादे किए उन्होंने? उनसे वादे किए हैं कि जो पब्लिक में आपने कमिटमेंट किए हैं तो वोट देते टाइम वो सब मैं पूरा करूँगा।